कहानी है उस समय की जब सृष्टि का सृजन हुआ था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पौराणिक और प्रचलित है। कहानी है ईश्वर की पहले संतान की, उसकी पहले सृजन की, जो सबसे ज्यादा अद्भुत था, और वो था लूसीफर। ब्रह्मांड एक ऐसी अलौकिक कायनात जो ईश्वर ने रचना की। ईश्वर ने पहले स्वर्ग बनाया जहाँ से पूरी सृष्टि की सृजन हुई। पृथ्वी और ब्रह्मांड बनने के बाद ईश्वर ने आखिरकार अपने जैसा कोई सर्वज्ञानी सेवक बनाने का फैसला किया जो उसके कार्य को आगे बढ़ा सके। वो अकेला था। ईश्वर ने सबसे पहले फरिश्ते की सृजना की। ईश्वर ने सृष्टि के सृजन के दूसरे दिन फरिश्ते बनाए गए थे। ईश्वर ने सबसे पहले फरिश्ते लूसीफर बनाए, फिर माइकल, गैब्रियल, रफायल और उसके बाद कई अन्य 6000 फरिश्ते को बनाया। लूसीफर अन्य फरिश्तों से सबसे शक्तिशाली, अद्भुत, सुंदर, शानदार, बुद्धिमान, सर्वज्ञानी और साहसी था। उसमें कई गुण और प्रतिभा थे। वो बहुत ही खूबसूरत था। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार लूसीफर का असली नाम सामयल था। उसे सामयल द ब्राइट के नाम से जाना जाता था। लूसीफर में किसी भी तत्व को कोई भी चीज में बदलने की शक्ति थी। इसी शक्ति से लूसीफर ने पहली बार एक सितारा का सृजना की। वो सितारा बहुत ही चमक रहा था। इसी से लूसीफर को द शाइनिंग स्टार के नाम से बुलाने लगा। कहा यह भी जाता है कि लूसीफर को आग से बनाया गया था। लूसीफर स्वर्ग में संगीत के प्रभारी यानी कि वो म्यूजिक के इंचार्ज थे। उन्होंने कई धुन, संगीत और गीतों की सृजना की। उसे संगीत का पर्याप्त ज्ञान था। वो स्वर्ग में एक कोयर डायरेक्टर भी था। लूसीफर एक सुनहरे सोने के सिंहासन में बैठते थे। लूसीफर को कई कीमती पत्थरों जैसे रूबी, टोपाज, एमरल्ड, डायमंड, गोल्ड, पर्ल, कोरल इत्यादि से सजाया गया था। लूसीफर सभी फरिश्तों के सुप्रीम कमांडर थे। इन सभी गुणों के होने के बाद लूसीफर आखिर किस पाप में पड़ गया और उसे स्वर्ग से क्यों निकाल दिया गया, आइए जानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार स्वर्ग में एक देवालय था यानी कि एक सेंचुरी। ये देवालय के अंदर एक विशेष कमरा था जिसे सबसे पवित्र स्थान कहा जाता था, जिसमें द टेन कमांडमेंट यानी कि 10 आज्ञाओं को धारण करने वाली वाचा का संदूक था, जिसे हम आर्क ऑफ द कवनेंट भी कहते हैं। इस संदूक के ऊपर ईश्वर का सिंहासन था और सिंहासन के दोनों ओर दो चेरब था। यहाँ चेरब को हम फरिश्ते भी कहते हैं। ये चेरब संदूक और ईश्वर के सिंहासन को अपने पंखों से ढक के रखता था। लूसीफर जो कभी एक चेरब हुआ करता था, इस कानून को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार था। लूसीफर ईश्वर के सिंहासन की रक्षा करता था। लूसीफर जो ईश्वर के कानून और नियम की रक्षा करने वाला था, उसके खिलाफ ही विद्रोह किया। वो ईश्वर और उसके कानूनों पर सवाल उठाने लगा और उससे ईश्वर से प्रश्न किया, आखिर देवदूत अपने लिए कोई भी निर्णय क्यों नहीं ले सकते? क्या ब्रह्मांड में कानून होने चाहिए? यही प्रश्न उसने ईश्वर से बार बार किया। लूसीफर को अपनी सुंदरता, अहंकार, ज्ञान और प्रतिभा पर गर्व होने लगा था और अपने खुद के विचारों पर भी। उसने सोचा कि वो खुद तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। वो तर्क दे रहा था कि आजाद और बुद्धिमान स्वर्गदूतों को इस तरह के नियम की आवश्यकता नहीं थी। लूसीफर ने अन्य स्वर्गदूतों को समझाने लगा कि वो ईश्वर की तरह हो सकता है। इस तर्क ने बड़ी संख्या में फरिश्तों को धोखा दिया और लूसीफर ने एक तिहाई फरिश्ते को ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने को उकसाया। इसलिए हम देख सकते हैं
कि लुसिफर दोषी था। जिस कानून को वो रक्षा कर रहा था उसने उसे ही तोड़ा। इसी बीच ईश्वर भी मानव का निर्माण कर रहे थे। ईश्वर द्वारा बनाई गई ये मानव रचना बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि ईश्वर एक मांस का शरीर बना रहा था और इसके अंदर एक आत्मा थी। मनुष्य की आत्मा एक लाइट प्रिजर्व करती है जो ईश्वर से जुड़ता है। हमारी आत्मा एक स्वर्ग दूत की तरह थी। अब यहाँ पर फरिश्तों के पास एक अनोखा शरीर था। फरिश्ते इंसानों की तरह नहीं थे, उसके शरीर पर एक प्रकाश की तरह थी। यही देख लुसिफर के मन में ईश्वर के प्रति गुस्सा और नफरत की भावनाएं उठने लगी। अब स्वर्ग में फरिश्तों के लगभग एक तिहाई लुसिफर के आदेशों का पालन कर रहे थे। वो सभी ईश्वर के खिलाफ खड़े हो गए थे। युद्ध की तैयारी स्वर्ग पर चल रही थी। जो फरिश्ते लुसिफर को फॉलो कर रहे थे वो सभी लुसिफर के बहकावे में आके ईश्वर के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे। ईश्वर के प्रति जो फरिश्ते वफादार थे वो लुसिफर के बहकावे में नहीं आए और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और सेवा कायम रखा। ईश्वर के प्रति वफादार रहने वाला फरिश्ते था माइकल, गैब्रियल, रफायल, यूरियल और इत्यादि। इसमें माइकल अपनी सेना का प्रमुख था। वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। माइकल ने कई दफा लुसिफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन लुसिफर अपने अहंकार और घमंड में चूर था। लुसिफर अब अपनी पूरी सेना के साथ स्वर्ग पर और ईश्वर के सिंहासन पर हमला करने लगा। इधर माइकल और उसकी खुद की सेना ने जवाबी हमला किया और लुसिफर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया। ये युद्ध अंतहीन लग रहा था। स्वर्ग में फरिश्तों के खून से पूरा स्वर्ग सना हुआ था। आकाश से टूटे पंख और फरिश्ते स्वर्ग से गिर रहे थे। दोनों ओर से दो पक्ष एक दूसरे से लड़ रहे थे। लुसिफर चुपके से ईश्वर के सिंहासन कक्ष में प्रवेश करने लगा, क्योंकि वो अपने दम पर ईश्वर का सामना करने की योजना बना रहा था। फिर लुसिफर को रोकने के लिए गैब्रियल सामने आया। गैब्रियल ने लुसिफर से इस विद्रोह को रोकने की गुहार लगाई, क्योंकि दोनों ओर हजारों फरिश्ते मर रहे थे। लेकिन फिर गैब्रियल ने महसूस किया कि ये सब कहना व्यर्थ है, क्योंकि लुसिफर अपने रास्ते में रुकने वाला नहीं था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। हालांकि गैब्रियल लुसिफर को चुनौती देने में सक्षम था, लेकिन लुसिफर गैब्रियल से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। जब लुसिफर ने अंततः अपने पिता का सामना किया तो ईश्वर ने उनसे पूछा कि ये सब करके तुम्हें क्या मिला, इस युद्ध में क्या अर्थ था। तब लुसिफर ने जवाब दिया, ये मनुष्य जो आप रचना कर रहे हैं ये पृथ्वी पर बुराइयां लाएंगे, वे दुनिया पर राज करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। वे खुद को राजा घोषित करेंगे और आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। वे राजकता लाएंगे और वो खुद की दुनिया को नष्ट कर देंगे जो ये सृष्टि आपने बनाए, और आप सिंहासन पर बैठ के सिर्फ देखते रहेंगे। और ये कह के वो ईश्वर पर हमला करते हैं, लेकिन माइकल समय पर आके लुसिफर को प्रहार करते हैं और अपने पिता से दूर कर देते हैं और लुसिफर को स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। माइकल ने लुसिफर के खिलाफ एक लंबी कठिन और भयानक लड़ाई शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग स्वर्ग की सारी महले और पूरा राज्य तबाह कर देते हैं। माइकल ने अंतिम प्रयास में अपने भाई से इस पागलपन को रोकने की विनती की, लेकिन लुसिफर ने अपनी पूरी शक्तियों से माइकल को मारने के लिए एक विशाल दैत्यकार ड्रैगन का रूप ले लिया। माइकल और ये ड्रैगन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। लुसिफर का ये रूप देख के बाकी फरिश्ते काफी डर गए थे। माइकल धीरे धीरे लड़ाई हार रहा था, लेकिन आखिरकार ईश्वर ने सभी स्वर्ग दूतों का सार लिया जो लुसिफर को रोकने के लिए बलिदान हुए थे, और परिणाम स्वरूप ईश्वर माइकल में समा गया
और माइकल बन गया मरकबा जिन्होंने लूसिफर के साथ लड़ाई की। हालांकि ये लंबी लड़ाई और कठिन थी, लेकिन ईश्वर ने अपनी महान शक्ति से लूसिफर के शक्तियों को धकेल दिया और अंततः लूसिफर को हरा दिया। ईश्वर ने सातवें आसमान से सभी विद्रोही फरिश्ते को निकाल दिया गया। उन्होंने नरक बनाया ताकि लूसिफर, जो अपनी एक अलग दुनिया चाहता था, वो अपनी इस नई दुनिया पर शासन कर सके। उन्होंने लूसिफर और अन्य विद्रोही फरिश्ते को नरक में डाल दिया और इस तरह लूसिफर बिजली की गति से स्वर्ग से गिर गए, इसलिए उन्हें द फॉलन एंजल्स कहा जाता है। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद लूसिफर को नरक की सबसे कम क्षेत्र में रखा गया, जहां पर ईश्वर का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता था। उसे नरक के नाइन्थ सर्कल में जंजीर में बंधा गया और पूरे 5000 साल तक उसे जंजीर में बांध कर रखने की सजा दी गई थी। स्वर्ग से निकाले जाने के बावजूद और धरती के तह में होने के बावजूद भी लूसिफर आध्यात्मिक रूप से धरती पर चल सकता था। आकाश से गिरे फरिश्ते पूरी तरह से धरती पर बिखर गए थे। अब यहाँ पर लूसिफर ने अपने सभी फॉलन एंजल्स को बुलाना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वो अभी भी गिरे हुए फरिश्तों के मुखिया थे। उसने सभी को अपना मूल नाम त्यागने का आदेश दिया जो ईश्वर ने रखा था, और इसी तरह उसने भी खुद को सटाए नाइल से सैटर्न बुलाना शुरू किया। यहाँ पर सटा नाइल को ईश्वर का दूत कहलाया जाता था। लूसिफर, जो अपनी सुंदरता और चमक पर घमंड करता था, अब वो ईश्वर की श्राप से एक भयावह और डरावना शैतान में बदल चुका था। लूसिफर जब आकाश से गिर रहे थे तब उसका पंख जल चुका था और उसका शरीर आग के लपेट से झुलस गया था। उसने ईश्वर को, उनकी रचनाओं को और उनकी सृष्टि की गई दुनिया को नष्ट करने की शपथ ली। लूसिफर ने नर को अपना एक नया साम्राज्य बना दिया था और लूसिफर वहाँ के सम्राट, देवता, राजा और एक शासक बन गया था। जो फरिश्ते लूसिफर का साथ दे रहे थे, उसने सभी को नर्क में पदक्रम अनुसार एक उच्च स्थान में नियुक्त किया जो लूसिफर के कार्य को आगे बढ़ा सके। जैसे जैसे सदियों बीतती गई, नर्क में 7 राजकुमारों का गठन होने लगा। ये 7 नर्क के राजकुमार लूसिफर के सबसे भरोसेमंद सेवक था। लूसिफर ने सबसे पहले ईश्वर की बनाई गई रचना यानी कि इंसान पर हमला किया। वो एक सांप बनकर पेड़ में लगे एक ज्ञान का फल इंसान को खाने पर मजबूर किया। ये इंसान को ईश्वर ने नाम दिया था एडम और ईव। ईश्वर ने एडम और ईव को एक बगीचे में रखा था जिसे ईडन गार्डन कहलाता था। ईश्वर ने दोनों को आदेश दिया था कि किसी भी लालच और प्रलोभन में ना पड़े, लेकिन लूसिफर ने अपनी मीठी बातों से ईव को लालच देकर पहला पाप करने पर मजबूर किया और यहीं से इंसानों ने सबसे पहले पाप को जन्म दिया और इस तरह लूसिफर भी अपने पहले हमले पर कामयाब हो गया। लूसिफर इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से इंसानों पर हमला करते रहते हैं। आज जितनी भी तबाही, हत्या, प्रलय, युद्ध और अचंभित करने वाले घटनाएं हो रही है, वह सभी लूसिफर के आदेशों और इशारों पर हो रहे हैं। इंसानों को खत्म करना और उनकी रूह को नरक में ले जाना, यही लूसिफर का मकसद है। वो चाहता है कि ईश्वर की बनाई गई मानव जात लूसिफर को अपना नया देवता बनाए। वो जानते हैं कि ईश्वर पर हमला करना है तो उसके रचनाओं पर वार करना है, क्योंकि शैतान ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं कर सकता। आज ये दुनिया लूसिफर के आदेशों पर चल रहे हैं।
बहुत सी संस्थाएं व संगठन लूसीफर को अपना नया ईश्वर बना चुका है। लूसीफर को जो ज्ञान था वही ज्ञान आज मानव पाना चाहता है और इसके लिए वो ईश्वर को छोड़ के लूसीफर को अपना चुका है। तो ये था पूरी लूसीफर की कहानी। जाते जाते आप सभी से एक प्रश्न है, क्या लूसीफर सही में एक सर्वज्ञानी और ईश्वर की बनाई गई सबसे अद्भुत रचना थी? क्या लूसीफर का अपराध यही था कि उसने ईश्वर से इस सृष्टि के बारे में और जानने की इच्छा प्रकट की? क्या उसका प्रश्न करना ईश्वर को पसंद नहीं आया? आप अपना पक्ष रखिए।